हॉस्पिटल आना पड़ा, बच्चे की तबीयत खराब थी तो दवा लेके चल रहे हैं उधर प्रतापगढ़ में। तो बस खड़ी है यहाँ पे, गाड़ी की पॉलिसी देने पर आई थी तो उसमें वेरिएंट चेंज हो गया था, तो ऑफिस जाकर उसको चेंज करवाया, अपडेट करवाया। अब घर जाना तो बस से ही चलेंगे, बस खड़ी है, पर अभी बस खड़ी है तो गर्मी काफ़ी होगी तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। जैसे ही बस चलेगी उसमें चढ़ेंगे और चलेंगे घर, घर से कोई आ जाएगा पिक करने तो उधर वेट करो। मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है, आप देख सकते हैं। कल आटा रख के आया था, चल रहा हूँ आटा लेके आता हूँ क्योंकि पिस गया होगा, कल शाम को रखा था, कल पिसाया नहीं था तो अभी चलते हैं लेके आते हैं। एक बोरी आटा आ चुका है, वो दादू का भी रखा था गाय का तो उसे लाने चलते हैं, एक साथ दोनों नहीं ला सकता था, चलें दोबारा दादू का लेके आएंगे। ये देखिए सियार जा रहे हैं, सब चिकलू की दवाइयाँ हैं इनको देनी है, 2.5 ml दवाई पियो, जल्दी पियो, पानी पियो। तो डिनर में है रोटी और आलू बोड़े की सब्जी, और दिन में बनी थी कलौंजी तो वो भी है, और थोड़ा सा फ्राइड राइस। तो चिकलू यहाँ आराम से सो रहा है, हम यहाँ पे करेंगे डिनर। तो कल ऐसा कुछ था कि चिकलू को बुखार आ गया तो हमने कहा चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो आज गए थे डॉक्टर के पास। फिलहाल बुखार तो सुबह तक उतर गया था, पर हमने कहा चलो दिखा ही देते हैं क्योंकि बच्चा है अभी छोटा, 6 महीने अभी भी कंप्लीट किए, दांत भी निकल रहा है तो बुखार हो गया था उसे शायद इसी वजह से। तो फिलहाल अब तो ठीक है, दवा भी मिली है कुछ, 2-4-5 दवाएं हैं तो वो दे रहे हैं, 2-4 दिन की बात है। फिलहाल एकदम फिट है, सो रहा है अभी। तो ब्लॉग कल करेंगे, आज तो रात हो चुकी है, काम नहीं कर पा रहा हूँ, पैटर्निटी लीव चल रही है मेरी, पता नहीं ऑफिस वालों ने अप्रूव करी भी है या नहीं, पर मैंने तो बोल दिया था उनसे क्योंकि 2 महीने से ऑफिस के लिए वहाँ था, तब आया तो मुझे ऐसा मतलब फील आ रहा है कि काम करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम बिताने का मन कर रहा है तो पूरा टाइम मैं बच्चे के साथ हूँ इस तरह से। तो 2 दिन और बचे इस वीक में, नेक्स्ट वीक से फिर काम स्टार्ट होगा, एंड अभी ऐसा कुछ सीन बन गया है कि शायद 2 हफ्ते अभी और मुझे गाँव में ही रहना पड़े। हाँ, पिछली बार से चेंज ये आया है कि नेटवर्क बहुत गड़बड़ आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि फ़ोन भी जब चला रहा हूँ ना तो बहुत ही, जब उस दिन आंधी आई उस दिन के बाद से कुछ गड़बड़ हो गया हो, तो देखते हैं प्रतापगढ़ जाके काम कर लेंगे क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। तो 2 हफ्ते अभी मैं यहाँ पे और हूँ, देखेंगे अब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहे हमारे ब्लॉग में, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय।